हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, क्या हाल है। तो दोस्तों, आज हम एक और नई आपके लिए ट्रेन जर्नी लेकर आ चुके हैं। आज हम आपके लिए पुणे टू जोधपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन का सफ़र करने जा रहे हैं। गाड़ी नंबर 01090 जो पुणे से रवाना हो जोधपुर के भगत की कोठी तक इसका डेस्टिनेशन रहता है। तो गाइज, आज हम इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे। वहीं साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक मज़ेदार ट्रेन की जर्नी व व्लॉग लेकर आ सकें। तो चलिए गाइज, चलते हैं ट्रेन के अंदर। गाइज, हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। बाय 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 बाय, पुणे को बाय बाय। चलते हैं घर की तरफ। और जिस सिस्टर और पूरी फैमिली छोड़ने आए थे, ड्रॉप करने आए थे, तो अभी हम पुणे से रवाना हो चुके हैं। पुणे टू जोधपुर भगत की कोठी 01090 एक्सप्रेस पुणे से रवाना हो चुकी है। देखिए आप पुणे रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए, 8:10 का इसका समय रहता है पुणे से और जोधपुर भगत की कोठी तक ये ट्रेन चलती है स्पेशल। पहला स्टॉप लोनावला। तो गाड़ी पहले स्टॉप पर लोनावला अपने ऑन टाइम पर यहाँ पर पहुँच चुकी है। लोनावला में इसका 3 मिनट का करीब होल्ड है। तो पुणे जोधपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 01090 फिलहाल लोनावला फर्स्ट स्टॉप पर पहुंच चुकी है। इसका सेकंड स्टॉप करजत में रहेगा, उसके बाद कल्याण रहेंगे। तो फिलहाल ऑन टाइम पर ये अभी लोनावला स्टेशन पर मौजूद है। तो लोनावला इसका फर्स्ट स्टॉप पर यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट का इसका होल्ट स्टॉप रहता है। तो अभी यहाँ से देखिए ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है। इसके बाद अगला स्टॉप इसका करजत का रहेगा और करजत के बाद कल्याण रहेगा। कल्याण के बाद वसई रोड, इस प्रकार से इसके अलग अलग स्टॉपेज रहेंगे। तो ये देखिए लोनावला का प्लेटफॉर्म, इतनी शानदार। तो अभी फाइनली ऑन टाइम पर पुणे के बाद पहले लोनावला है, उसके बाद अभी ऑन टाइम 10 बजे करजत का टाइम है। तो करजत प्लेटफॉर्म पर अभी गाड़ी पहुंच रही है। लोनावला के बाद इसका करजत स्टॉप रहता है। तो ऑन टाइम करजत पर 10:02 पर यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी है। आज हम जिस ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं वो पुणे टू जोधपुर एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी, गाड़ी नंबर 01090। तो गाइस, ऑन टाइम 10:02 का इसका करजत का टाइम है। लोनावला के बाद करजत, करजत के बाद अब ये कल्याण रुकेगी, कल्याण के बाद वसई रोड। तो कंटिन्यू ऑन टाइम पर ये गाड़ी चल रही है। तो गाइज, अभी 10:30 हैं। 10:30 का पुणे भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन का कल्याण स्टेशन का समय है। तो अभी 10:30 और अभी हम कल्याण स्टेशन पर हैं। मैं आपको कल्याण स्टेशन का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए कल्याण जंक्शन में इसका सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। तो कल्याण स्टेशन से यहाँ से गाड़ी रवाना हो चुकी है अपने तय समय पर। 10:30 इसका कल्याण पहुँचने का समय है। दूसरी साइड में मुंबई लोकल,
तो फिलहाल गाइस अभी हम वसई रोड पहुंच चुके हैं। करीब 15 से 17 मिनट की देरी से ये ट्रेन वसई रोड पहुंची है। इसके वसई रोड का 11:35 पहुंचने का समय था, लेकिन 11:54 हो गई है, तो करीब 15 से 19 मिनट ये देरी से वसई रोड पहुंची है। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ वसई रोड रेलवे स्टेशन का नज़ारा। फ्रेंड्स सुबह के 3:30 हैं, अभी हम गुजरात के सूरत जंक्शन पर है, तो यहाँ पर ट्रेन का 10 का स्टॉपेज रहेगा। तो ऑन टाइम पर 10 के होल्ड के बाद सूरत से ट्रेन रवाना हो चुकी है। Thank you.
मेहसाणा जंक्शन गुजरात का मेहसाणा प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। तो भगत की कोठी 01090 का पालमपुर में 10:30 का टाइमिंग है, तो फिक्स 10:30 ये पालमपुर जंक्शन में पहुंच चुकी है। ऑन टाइम गाड़ी चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम भगत की कोठी की जर्नी कर रहे हैं। तो भगत की कोठी गाड़ी की अगर स्टॉपेज की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो करेक्ट टाइमिंग है। हालांकि वो स्टेशन पर पहुंचने से पहले डिले हो जाते हैं, लेकिन स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते वापस कवर कर लेते हैं। वही दोस्तों, आज हम 01090 पुणे टू भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन इसमें जर्नी कर रहे हैं। तो ये पुणे से 8:10 पर रविवार को रवाना होती है। वही भगत की कोठी सोमवार शाम को 4:00 वहां पर पहुंच जाती है। करीब 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो कुल मिला के इसके टाइमिंग को लेकर बहुत ही अच्छा है। डिले होता है, वापस उसको कवर कर लेता है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी अच्छा है, गाड़ी में सुविधाएँ भी है। फाइनली गाइस, हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है। हम करंट टाइम से 10 मिनट पहले इस ट्रेन ने पहुंचाया है। ये ट्रेन पुणे टू भगत की कोठी एक्सप्रेस 01090 है। तो दोस्तों, इस जर्नी को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर किसी नए ट्रेन जर्नी के साथ। और अभी हम यहां से जाएंगे घर की तरफ। तो चलिए गाइस, चलते हैं घर की तरफ।